हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, तो मैं आज आपको कुछ स्पेशल टिप्स बताऊंगी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मेरा भी बाल लॉन्ग है, तो मैं कैसे अपने बालों को केयर करती हूँ तो आपको बताऊंगी। जैसे कि देख पा रहे होंगे, तो मैं प्रत्येक मंथ कम से कम 4 से 5 इंच कट करती हूँ। नीचे इसके बावजूद भी काफी लंबे हैं, देखिए लंबे हैं ना। तो कैसे हैं और मैं कैसे केयर करती हूँ, कौन सा ऑयल लगाती हूँ, तो होम मेड ऑयल है, तो कैसे मैं बनाती हूँ वो आपको आज दिखाऊंगी इस वीडियो पे। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों। चलिए, देखने के बाद आप लाइक जरूर करना दोस्तों, इतना मेहनत लगता है बनाने में। तो चलिए दोस्तों, बनाती हूँ और बताती हूँ कि मैं अपने ऑयल को कैसे घर पे बनाती हूँ और उसको यूज़ करती हूँ। और इससे बाल टूटते भी नहीं हैं, ग्रोथ भी अच्छा रहता है और देख ही पा रहे होंगे। कभी भी मैं अनाप शनाप ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, जब भी करती हूँ, जब भी लगाती हूँ, मसाज करती हूँ तो इसी करती हूँ। और आपको करना रहेगा ऐसा कि इस ऑयल को लगाने के 1 दिन या 2 दिन के बाद आप हेयर वॉश कर लें, फिर देखिएगा बालों को। चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको लेना है पैराशूट नारियल तेल, आपको लेना है। इससे बेहतर कोई ऑयल नहीं हो सकता है, इसको लेना है आपको। इसके बाद इस ऑयल में आपको मिक्स करना रहेगा करी लीफ, देखिए करी पत्ता, ये फ्लावर अड़हुल रेड वाला हैबिस्कस। इसके बाद इसको बोलते हैं मेथी। इसके बाद अजवाइन, ये 4 चीज़ों से ये ऑयल तैयार होगा। और ये मेरा पूरा 1 केजी का है, सॉरी हाफ केजी का है, ये मेरा हाफ केजी का है और अभी ये न्यू है, तो इसी वजह से मुझे नाइफ का हेल्प चाहिए रहेगा, इसलिए मैं नाइफ भी रखी हूँ। और ये अभी सर्दियों का टाइम है तो ये चम्मच भी लगेगा। तो चलिए, जैसे कि मैं बोली ये नया है डब्बा, तो फिर इसको इसको देखिए है ना, फिर इसको चारों तरफ से कट करना है। और एक साफ सुथरा एक बर्तन लगेगा, मोटा परत वाला, ठीक है ना। तो सबसे पहले है ना, तो दोस्तों जैसे कि मैं इसका मेथी का और मंगरेला का अमाउंट बढ़ा चुकी हूँ। अब करना है गैस को ऑन, इसके बाद साथ में सारा डाल देना है। गैस हमेशा ध्यान रखिएगा, हो सके तो छोटा वाला में आप चढ़ाइए और एकदम लो फ्लेम पे जितना हो सके। अब इसको डाल देना है सारी चीजों को एक साथ, गर्म होने का वेट नहीं करना है, सब चीज साथ में ही जाएगा, सारा चीज को साथ में ही ऐड कर देना है ऐसे। इसके बाद आपको मिला देना है। अभी तो खैर बर्तन गर्म नहीं है, इसलिए मैं हाथ से पकड़ ली हूँ। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे कि पिघलने लगा है, एक मेरी सब्सक्राइबर है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी आपका हेयर इतना लंबा कैसे है, तो आप क्या लगाती हैं,
उन्हीं के लिए ये है। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए। पहले भी मैं इस तरह क्या और एक बनाई थी, बट उसमें जो अड़हुल का फूल और कड़ी पत्ता ऐड नहीं की थी, सिंपल था। इसमें दो चीज न्यू है, ऐड की हूँ। तो इसको पकने देना है, धीमे आंच में पक जाना है इसको। आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है। जो बचे हुए ऑयल है मैं इसको भी निकाल लेती हूँ अच्छी तरह से। ये डब्बा खुलने के बाद जब मैं इसमें ऑयल रखूंगी दोस्तों, तो इसमें एक चीज है कि आपका पूरा डब्बा में ऑयल पिघल पिघल के साइड से निकलता है। तो मैं स्टोर इस पे नहीं करूंगी, कोई और बॉटल में ही स्टोर करूंगी। तो सारी चीजों को धीमे आंच में पकने देना है। इसके बाद ऑटोमेटिक में कलर भी चेंज हो जाएगा सारा चीज का। तो दोस्तों देखिए, आपको इस तरह झाग आने लगेगा और इसके बाद आपको बीच बीच में से चला देना है। फूलों का कलर देखिए चेंज हो रहा है ना, देखिए। एकदम ध्यान रखना है कि लो फ्लेम हो। देखिए पूरा जो है अड़हुल का फूल ऐसा हो गया, खुल गया इसका पंखुड़ी जो है, खुल मतलब खुलने लगा है। देखिए खुल रहा है। तो दोस्तों इससे जो कड़ी के पत्ते और मेथी के खुशबू, काफ़ी स्ट्रांग वाला खुशबू आ रहा है। तो देखिए धीरे धीरे इसमें झाग आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जब इसमें झाग 50% कम हो जाएंगे तो आप बंद कर सकते हैं, या फिर पूरा बंद कम हो जाएगा तो बंद कर सकते हैं। बीच बीच में से चलाते रहना है। अगर आप जार में रख रहे हैं तो अगर ये पत्ता फ्लावर उसमें रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं, फिर छान के रख सकते हैं। देखिए धीरे धीरे झाग कम हो रहा है। ये फ्लावर निकाल देंगे तो क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली देखिए इसमें झाग कम हो गए हैं। देखिए फ्लेम उसी तरह से है और झाग लगभग खत्म हो गए हैं। अब इसको बंद कर देना है। फाइनली दोस्तों मैं फ्लेम को बंद कर दी हूँ। इसको ठंडा होने के बाद आप इसको छान लें, या फिर ऐसे भी आप रख सकते हैं। तो मैं इसको हटा लेती हूँ, यहाँ पे भी ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ, ठंडा हो जाएगा। फाइनली दोस्तों देखिए ऑयल पूरा ठंडा हो गया है। अब मैं इसी जार को अच्छी तरह से धो ली हूँ, इसी में मैं डालूँगी, छान नहीं रही हूँ, सारा इसी में रहेगा। आप चाहे तो छान भी सकते हैं, बट मैं नहीं छान रही हूँ।
इसमें जितना आया उतना मैं डाल ली हूँ, और जब जब लगाना रहेगा मैं निकालूंगी। सर्दियों का टाइम है तो पहले धूप में दूंगी, इसके बाद पिघल जाएंगे, फिर मैं लगाऊंगी। देखिए ऐसे करके आप स्टोर करिए और रखिए और लगाइए। दोस्तों ये क्या करूंगी ना, ये जो है ना मेथी, आप कोशिश करिएगा कि ये जो मेथी है इसको इसके अंदर डालने का। बड़ा जार लीजिएगा तो सारा आ जाएगा, ये मेरा जार छोटा हो गया, बट आप ऐसा करना कि सारा इकट्ठा जिसमें आए, फिर हाफ हाफ करके आप दो जगह रख सकते हैं। इसमें मेरा जितना आएगा मैं रखूंगी, फिर इसी बोतल में रखना पड़ेगा मुझे, जो कि मैं नहीं चाह रही थी कि रखूंगी, बट इसमें भी आधा रखना होगा। तो चलिए दोस्तों फिर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये होममेड ऑयल अच्छा लगा होगा। देखिए नीचे सारे बैठ गए हैं, अजवाइन और मेथी और कड़ी पत्ता ऊपर आ गया। तो देखिए दोस्तों कंप्लीट मैं जार में डाल चुकी हूँ, और ये होल को मैं कर दूँगी जुगाड़ के साथ इसको बंद। और इसी तरह से मेरा ऑयल हो गया होममेड ऑयल रेडी, जो कि मैं बनाई शुद्ध नारियल पारासूट ऑयल से। तो आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूले दोस्तों। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, सॉरी चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों वो मंगरेला है, काला वाला अजवाइन नहीं है, गलती के लिए सॉरी।